Hello everyone and welcome to the online classes. I am Sashi Sahu, assistant professor from Biotech department, and today we are going to discuss about the organogenesis. जो ऑर्गेनोजेनेसिस के जिस कुछ पार्ट्स रह गए थे हमारे, जैसे कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का जो है, हम लोगों ने सिर्फ बेसिक जो है नॉलेज जो है उसके बारे में जाना था कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। जैसे कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने देखा था कि जब कभी भी हम कल्चर करते हैं टिश्यू कल्चर करते हैं, तो टिश्यू कल्चर करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक मीडिया होना चाहिए। उस मीडिया में ही हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। और फिर एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लांट का मतलब होता है आपका कोई भी प्लांट का वो पार्ट जिसको आप यूज करने वाले हैं, किसके लिए, आपके टिश्यू कल्चर के लिए, उसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं। एक्सप्लांट पत्ती का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, या फिर रूट का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, तना हो सकता है, जड़ें हो सकती हैं, या फिर आपका फूल हो सकता है, या फिर फ्लावर हो ए, फूल या फिर फ्रूट हो सकता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लांट जो है कुछ भी हो सकता है, प्लांट के ही एक उस पार्ट को एक्सप्लांट बोलते हैं जिसे हम यूज करने वाले हैं टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, जब हम एक्सप्लांट को इनोकुलेट करते हैं अपने मीडिया में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो जब ग्रो करना स्टार्ट करता है आपका जो प्लांट है, उस ग्रो होने से पहले अगर आपके प्लांट में पहले कैलस ग्रो हुआ, कैलस मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जो सिर्फ पहले सेल के जैसे दिखा, जो जिसको देख के हम बोलेंगे कि वो सेल है, लेकिन वो तना है, पत्ती है, जड़ है, वो चीज उसमें डिफरेंशिएशन नहीं पता चला रहता है, सिर्फ ये पता चलता है कि वो कुछ सेल है जिसका ग्रोथ हुआ है, तो वो उसे बोलते हैं हम लोग कैलस। ठीक है, तो कैलस बोले, अब कैलस अगर ग्रो हुआ और उसके बाद कैलस के ग्रो होने के बाद आपके पहले तना आया या फिर जड़ आया, उसके बाद पत्तियां आना स्टार्ट हुई, तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑर्गेनोजेनेसिस रहता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि उसमें पहले कैलस ग्रो हुआ, उसके बाद जो है आपके अंगों का आना स्टार्ट हुआ, ऑर्गन्स का बनना जो है वो स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ही होता है प्लांट के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जिसमें पहले कैलस बन रहा है उसके बाद अगर अंग बन रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाएगा। लेकिन अगर आपके मीडिया में आपका कैलस ग्रो होने के बजाय सब पहले ही डायरेक्टली आपके शूट का फॉर्मेशन हुआ या फिर रूट का फॉर्मेशन होता है, मतलब डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स जो है फॉर्म होना स्टार्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा, उस कंडीशन में वो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली जो है ऑर्गन जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ कुछ इसके चीजों के बारे में, कि अगर जो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, मीडिया कैसा होना चाहिए, मीडिया में क्या चेंजेस रहेंगे जिससे कि आपके प्लांट में कुछ चेंजेस क्या आ सकते हैं मीडिया में चेंज करने से, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का ये बताऊंगी कि अगर डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में कभी भी अगर आपका आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो ऑर्गेनोजेनेसिस है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और अच्छे से आपका प्लांट में जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन हो, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में आपका मेनली क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्टली ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं, कैलस नहीं बन रहा है, कैलस से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़े कि पहले कैलस बन रहा है उसके बाद जो है ऑर्गन्स बनेंगे, ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स फॉर्म हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जिसका हाथ होता है अच्छे से ऑर्गेनोजेनेसिस होने का, वो होता है मीडिया का। ठीक है, तो आपने जो मीडिया यूज किया इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बायोफर्टिलाइजर। आप ना किसी प्रकार का खाद यूज कर रहे हैं, ना किसी प्रकार का बायोफर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ना तो आप पानी यूज कर रहे हैं, ना तो आपके पास मिट्टी है, ना तो आपके पास सूरज की रोशनी है।
तो ये सब चीजें नहीं है, आप उसको कृत्रिम तरीके से प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं आर्टिफिशियली, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यू कल्चर कराना है तो ये सभी चीजों के जो गुण हैं, सूरज की रोशनी का गुण, पानी का गुण, और आपके जितने मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व जो है, उनका गुण किसमें मिलेगा, वो मिलेगा हमारे मीडिया में। और ये मीडिया जो है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, और मीडिया में सबसे अच्छा होना तब माना जाता है अगर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उनमें होता है दो कंटेंट जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं किसके फॉर्म में आते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में। ये हार्मोन्स जो हैं इनको हमको ऐड करना बहुत जरूरी है हमारे मीडिया में, क्योंकि ये ग्रो हार्मोन किसका काम करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हैं ये। ग्रोथ रेगुलेटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो अगर ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस या फिर ग्रोथ को प्रमोट करने वाले सब्सटेंस को या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स को अगर हम लोग अपने मीडिया में ऐड करेंगे, तो फिर हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग बन जाएगा। और हमारे जो मीडिया में अगर हम जो इनोकुलेट करेंगे हमारे एक्स प्लांट को, तो हमारा एक्स प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसलिए ग्रोथ रेगुलेटर्स का या फिर ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस का डालना बहुत आवश्यक होता है मीडिया में। तो ग्रोथ प्रमोटर सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डिपेंड करता है एक्स प्लांट के एज और नेचर एवं साथ ही ग्रोथ कंडीशन के ऊपर भी। और आपका सिर्फ ग्रोथ रेगुलेटर्स ही नहीं है जो आपका जरूरी है, ये तो जरूरी है ही नंबर वन, दूसरा जरूरी है कि आपने जो एक्स प्लांट लिया है उसकी एज कितनी है, क्या आपने बहुत ही यंग वाला प्लांट ले लिया है कि एकदम जस्ट अभी अच्छे से उगना स्टार्ट हुआ था, या फिर एकदम जो है ओल्ड वाला प्लांट से आपने एक्स प्लांट लिया है, या फिर जो नॉर्मल एज में है उसका लिया है। किस एज का आपने एक्स प्लांट लिया है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नेचर कैसा है, क्या उसमें उस पौधे में कोई बीमारी तो नहीं लगी थी, या फिर वो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था उस प्लांट में कि पत्तियां लग रही हैं लेकिन फूल नहीं लग रहे हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आपका डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस में सबसे मेन जो काम होता है वो होता है इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जो हार्मोन्स के रूप में होते हैं। इन ग्रोथ रेगुलेटर में अगर बात की जाए तो ऑर्गेनोजिनेसिस के लिए ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में, ग्रोथ रेगुलेटर का एक्सोजिनस एडिशन मतलब लगातार ऐड करते रहना और अच्छे खासी मात्रा में हार्मोन्स को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन हार्मोन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है, पहला है ऑक्सिन का, ऑक्सिन, और जो दूसरा है वो है आपका साइटोकाइनिन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं या फिर ऐसे आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिन्हें मीडिया में ऐड करने से आपका मीडिया जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है, बहुत अच्छे गुणों वाला बन जाता है, क्योंकि इससे ही आपके मीडिया में वो सभी चीजें कंटेंट आ जाते हैं जो मिट्टी और पानी में कंटेंट रहते हैं, जो उसको अच्छे से ग्रो करने में, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में, इनफैक्ट इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के मीडिया में भी आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स का होना और एक्स प्लांट का एज का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में बात करूं तो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि हमारा एक, पहले हमने क्या लिया, पत्ती लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने किए, और इसको जो है हमने अपने मीडिया में फिर क्या किया, इसे जो है डाल दिया यहाँ पर। अब जो है वो ग्रो करेगा तो सबसे पहले क्या ग्रो करेगा, एक कैलस जो है वो ग्रो होगा। कैलस के बाद जो है उसमें क्या ग्रो होगा, कैलस के बाद उसमें जो है तना या फिर जड़ जो है ये आना स्टार्ट होंगे। तो इसमें इनडायरेक्टली हो रहा है, पहले जो है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन पहले हो रहा है,
ठीक है, तो ये चीज है जो आपका इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, इसीलिए बोला जाता है इसे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या बन रहा है, इसमें सबसे पहले आपका कैलस बनेगा, उसके बाद जो है अंगों का निर्माण होगा, पौधों के अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें जो है किन किन चीजों का ध्यान रखना रहता है, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को कभी भी बहुत छोटा जो है माइन्यूट क्वांटिटी में नहीं रखना होता है, माइन्यूट साइज में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एक्स प्लांट को, जिससे आप लोगों को उसमें आपके मीडिया में उसे अच्छे से इनोकुलेट करते बने, क्योंकि आपका जो टेस्ट ट्यूब है, आपने मीडिया उसमें डाल के रखा है, सॉलिड मीडिया जो है हम यूज करते हैं, नैम के जैसे ही दिखाई देता है। कई लोग जो है लिक्विड मीडिया भी यूज करते हैं, लिक्विड मीडिया को कभी भी क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, सब नोट करके रखेंगे आप, अगर कभी भी लिक्विड मीडिया यूज किया जा रहा है तो उसे सस्पेंशन बोलेंगे या सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं लिक्विड मीडिया यूज करने पे। ठीक है, तो हम लोग यूजुअली जो है हम लोग जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें सॉलिड मीडिया हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एमएस मीडिया को। अब ये जो मीडिया है हमने बनाया, हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, अब ये अगर एकदम छोटे क्वांटिटी में रहेगा तो हमको इसको यहाँ पर इनोकुलेट करने में बहुत बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़े साइज में रहेगा तो उसे हमको यहाँ पर जो है इनोकुलेट करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और वो अच्छे से ग्रो भी होगा, और हमको अच्छे से एनालिसिस करने में आसानी भी होगी। क्योंकि एकदम छोटा क्वांटिटी में रहेगा, एकदम छोटे साइज में रहेगा तो फिर उसको फिर देखना एकदम पास से, और बड़ा साइज में रहेगा, बड़े साइज में अगर आपका एक्सप्लांट है तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं से कैलस जो है वो ग्रो हो रहा है क्या। छोटा साइज में रहेगा तो हम लोगों को उसको अच्छे से ध्यान से देखते नहीं बनता है, ध्यान से उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग नॉर्मली चीजों को करते हैं। तो इसके लिए साइज भी मैटर करता है आपके एक्सप्लांट का, और कभी भी इस एक्सप्लांट को फिर जब आपका किसी इनोकुलेट करने के लिए थोड़ा सा धसाना रहता है, इसमें थोड़ा सा इंसर्ट करना रहता है आपके मीडिया में, ताकि जो आपका एक्सप्लांट है उस मीडिया के सभी गुणों को लेकर क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे कि आपका क्या है, मिट्टी में आप क्या करते हैं, प्लांट को जैसे ग्रो करवाने के लिए मिट्टी में पूरा धसाते हैं प्लांट को, कलम को लगाते हैं जो आप लेकर आते हैं पौधे को, वैसे उसी प्रकार से इस मीडिया में आपको अपने एक्सप्लांट को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो एक्सप्लांट का जो साइज है वो बहुत मैटर करता है, ताकि कैलस अच्छे से बने, अच्छा कैलस बने, या चाहे वो वाइबल कैलस बने मतलब सॉलिड मीडिया में बने, या फिर वो सस्पेंशन में ही लिक्विड मीडिया में ही कैलस ग्रो करे, दोनों कंडीशन में एक्सप्लांट का अच्छा साइज होना बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज है, नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंट इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू सेलेक्ट करना एडवांटेजियस होता है। अब ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाती हूँ, तब तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो आप लोगों ने सेल वाला प्रैक्टिकल किया होगा फर्स्ट ईयर में आई गेस, जिसमें आप लोग क्या करते थे कि आप लोग सबसे पहले एक अनियन लेते थे, प्याज को लेते थे आप लोग, और प्याज को क्या करते थे, उल्टा करके आप एक कोनिकल फ्लास्क में जो है पानी भरा रहता था उसमें आप क्या कर देते थे, डिप कर देते थे। दूसरे दिन आके देखते थे तो थोड़ा सा ये जो है ग्रो हुआ रहता है, तीसरे दिन आके देखते हैं तो और थोड़ा सा ग्रो हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपका अच्छे से इस पे जो उसके टिप्स हैं वो आना स्टार्ट होते थे। आप कभी घर पे इस प्रैक्टिकल को करके देखना, कांच के ग्लास में ही प्याज को उल्टा करके रख देना, वो इस साइज का प्याज लेना जिससे प्याज जो है वो उसमें फिट बैठे। ठीक है, ऐसे जब ग्रो कर लेगा एक दिन, आप क्या करना, जब अच्छी ग्रोथ आ जाएगी तो इतने हिस्से को आप काट देना, जो सबसे छोर वाला जो हिस्सा है लास्ट का, उस हिस्से को आप काट देना, और उसके बाद दूसरे दिन देखना, तीसरे दिन देखना। दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखेंगे तो वो जो आपने काटा था उसके बाद वो ग्रो ही नहीं होता है। उसका रीजन ये है, जो एकदम टिप में आप लोगों के एक प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टमेटिक सेल्स। ठीक है, ये वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज या फिर सेल्स, वो सेल्स या टिश्यूज कहलाते हैं जिनमें ग्रोथ करने की अच्छी खासी सक्षमता होती है। ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में सेल डिवीजन होता है, इसलिए इनमें अच्छा ग्रोथ पाया जाता है। ये रैपिडली सेल डिवीजन कर करके क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने में सक्षमता रखते हैं। तब ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है,
अगर ये इनको ही अगर हम काट दें जो छोर में पाए जा रहे हैं, तो फिर आपका ग्रोथ तो होगा नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस अगर आपको करना है तो कभी भी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को लेना चाहिए। तो मेरिस्टमेटिक सेल्स या टिश्यू कहाँ मिलेंगे प्लांट्स में? वो मिलेंगे हम लोगों को शूट टिप में। अब ये शूट टिप कहाँ मिलेगा? जैसे कि ये आपका पौधा है, पौधे में जो सबसे छोटी पत्ती जो सबसे ऊपर लगी होती है उसका उसके तने के हिस्से का आप लोग शूट टिप ले सकते हैं, वो शूट टिप कहलाएगा। लीफ के पेटियोल ले सकते हैं, मतलब ये जो लीफ जो लगती है जहां से, ये वाला जो हिस्सा है जहां से लीफ लगी है, वो डंगाल जिस पे लीफ लगी हुई है उसे हम क्या करेंगे? पेटियोल कहेंगे। पेटियोल को दिखाने के लिए मैं आप लोग को डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको पेटियोल जो है कहाँ दिखाई दे रहा है? इस वाले, ये देखिए, ये आपका पेटियोल है जो मैंने हाईलाइट किया। तो पेटियोल वो हिस्सा होता है जिससे एक्चुअल में आपकी जो पत्ती है वो लगी होती है। तो नीचे छोटी छोटी दो पत्तियां लगी हुई हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर उनका पेटियोल का हिस्सा ये है और इस बड़ी पत्ती का ये पेटियोल का हिस्सा। तो बोलते हैं कि यहाँ पर आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू बहुत अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रो कर करके जो है आपका पत्तियां अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इस प्रकार से कभी भी बोला जाता है कि अगर आपको ऑर्गेनोजेनेसिस करना है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, खासकर इनडायरेक्ट के लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को लेना अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज मिलता है हम लोगों को अगर हम मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को यूज करते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रोथ रेट अच्छा होता है, ये तो पता है हम लोगों को। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ग्रोथ रेट होने की वजह से अच्छा रहेगा, हमारे लिए एडवांटेज है। और इनका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरी चीज है सर्वाइवल रेट, मतलब ये जो है अच्छे बहुत टाइम तक सर्वाइव करने के लिए होते हैं, बहुत टाइम समय तक के अपने आप को सर्वाइव करके जल्दी खराब नहीं होते हैं, मतलब ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं बहुत टाइम तक के, सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में ही, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए कल्चर को लिक्विड मीडियम या सॉलिड मीडियम में ग्रो कराया जाना चाहिए कभी भी। अब आप सॉलिड मीडियम ले रहे हैं या लिक्विड मीडियम, जैसे मैं आप लोगों को जब पीटीसी कराऊंगी तो पीटीसी कराते टाइम मैं आप लोगों के लिए सॉलिड मीडिया बनाऊंगी। लिक्विड मीडिया भी बना सकते हैं, लिक्विड मीडिया में क्या करेंगे, सिर्फ अगार को नहीं डालेंगे, बाकी सब चीजें तो वही रहेंगी। लेकिन लिक्विड अगर सॉलिड मीडिया बनाना है तो उसमें अगार डालना पड़ेगा, क्योंकि अगार क्या करता है, हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट रहता है। इसलिए लिक्विड मीडिया के साथ साथ जो है आपका सॉलिड मीडिया भी यूज किया जा सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया। ठीक है, प्रिफरेबली मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर मैं करना चाहूँ तो किसमें, तो मैं सॉलिड मीडिया यूज करूंगी, क्योंकि इसमें इनोकुलेट करते अच्छे से बनता है। लिक्विड मीडिया में बहुत जल्दी कंटामिनेशन आता है, खैर लिक्विड कंटामिनेशन तो सॉलिड मीडिया में भी जल्दी आ सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं किया है तो, और अगर आप जिस पर्टिकुलर पीटीसी चैम्बर में जब जाकर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि जब आप वहाँ जाएँ तो आपके हाथ में ग्लव्स हो, आप जो है अपने शूज और सॉक्स सॉक्स आपने पहना है तो उसे भी निकाल कर जाएं, आपके हाथ और पैर अच्छे से क्लीन होने चाहिए, आप मास्क लगा कर रखें, बिल्कुल बात ना करें, इनफैक्ट थोड़ी बहुत जो बात होती है वो इशारे में करें, जिससे जो है आपका कहीं से भी कोई भी कंटामिनेशन ना आ सके। और पीटीसी चैम्बर में काम करने से पहले आपको पीटीसी चैम्बर को बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है डीपली, और डीपली क्लीन करने के लिए उसे फ्यूमिगेट करना भी बहुत जरूरी रहता है। फ्यूमिगेशन करने से वहां के जितने भी माइक्रोब्स हैं वो पूरे किल हो जाते हैं। तो ये हुआ एक तरीका आपका पीटीसी करने का, जिसमें आप लोगों को मैंने एक ये सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया का इम्पोर्टेंस बताया। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में मीडिया के जितने भी कंटेंट है, जितने भी मीडिया के कंटेंट होते हैं, दैट मींस मीडिया में क्या चीज जो है कितनी मात्रा में डल रही है, मीडिया का कंपोजिशन और साथ में कंटेंट, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जितना अच्छा मीडिया का कंपोजिशन रहेगा,
मतलब सही मात्रा में जितनी चीजें रहेंगी और जितना अच्छा कंटेंट रहेगा, सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डल रही हैं अगर, तो आपका मीडिया बहुत अच्छा बनेगा और आपका जो टिश्यू कल्चर है वो भी बहुत अच्छे से होगा, और ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट मीन ऑर्गेनोजेनेसिस ही आपका बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए आपका मीडिया का कंटेंट और मीडिया का कंपोजिशन बहुत मैटर करता है, मीडिया का कंसंट्रेशन भी बहुत क्रिटिकल होता है, और इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि मीडिया आपका अच्छे से बना है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। फिर से हमारा आ गया क्या चीज, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जो क्या चीज है हमारा, ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हार्मोन्स, जो आपके प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें मीडिया में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन, इनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर ये इनमें से कोई एक चीज कम हो जाए और कोई एक चीज ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। अगर आपने ऑक्सिन को लो रखा, ठीक है, और आपने अगर लो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को भी आपने लो रखा, लो ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन दोनों की कंसंट्रेशन को आपने अगर लो रखा, तो आपका उस कंडीशन में जो है क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन कैलस का फॉर्मेशन होगा अच्छे से होगा, जब आपने ऑक्सिन को भी लो रखा है और साइटोकाइनिन को भी लो रखा है। ठीक है, और अगर आपने ऑक्सिन को सेकेंड टाइम भी लो रखा और इस साइटोकाइनिन को सेकेंड टाइम जो है आपने क्या किया, दूसरा जो मीडिया बनाया है उसमें लो ऑक्सिन रखा और साइटोकाइनिन का जो है हाई रखा कंटेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कैलस बनेगा, पहले तो बनेगा ही क्योंकि हम इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करा रहे हैं। कैलस बनने के बाद पहले क्या निकलेगा, शूट निकलेगा। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग का अगर मीडिया है, आपने जो टेस्ट ट्यूब में रखा ये मीडिया है, मीडिया में आपने क्या किया, आपने अपना जो एक्स प्लांट है उसको डाल दिया, अब एक्स प्लांट से क्या बन गया, कैलस बन गया। अब कैलस से पहले शूट निकलेगा कि रूट निकलेगा, ये बहुत मैटर करता है आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पे। अगर आपके मीडिया में ऑक्सिन जो है वो लो है और साइटोकाइनिन की मात्रा हाई है, तो कैलस बनने के बाद सबसे पहले क्या निकलेगा, यहाँ से आपका शूट निकलेगा, तना पत्ती ये सब निकलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे कंडीशन में अगर, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऑक्सीन की मात्रा जो है वो हाई है और साइटोकाइनिन को जो मात्रा है वो अगर लो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैलस ग्रो होगा, पहले तो वो तो होगा ही होगा, कैलस ग्रो होगा और उसके बाद रूट का फॉर्मेशन है। दैट मींस क्या हो जाएगा, आपने जो मीडिया डाला है उसमें आपने एक्सप्लांट डाला, एक्सप्लांट से पहले कैलस ग्रो हुआ, कैलस से ग्रो होने के बाद शूट नहीं निकलेगा, पहले रूट निकलेगा, रूट का फॉर्मेशन पहले होगा उसके बाद शूट का फॉर्मेशन। शूट के फॉर्मेशन के लिए आपको साइटोकाइनिन को हाई रखना पड़ेगा, रूट के फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को ऑक्सिन को हाई रखना पड़ेगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, डिपेंड करता है चीजों को कि कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा मीडिया का कंटेंट है, मीडिया का कंपोजिशन और कंसंट्रेशन कैसा है, उस पर आधारित होता है आपका इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में कौन सी चीज पहले निकलेगी, शूट निकलेगा पहले या फिर रूट निकलेगा पहले, चाहे वो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हो या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हो, दोनों में मीडिया में अगर ये चीजों को ध्यान में रखेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका शूट पहले निकलेगा कि रूट पहले। जैसे अगर डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में ही अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सिन की मात्रा को आप क्या कर रहे हैं, और इस ऑक्सिन की मात्रा को अगर आप हाई रख रहे हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा को लो रख रहे हैं, तो सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलस बनता नहीं है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में, उसमें तो डायरेक्ट अंगों का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये आपका कुछ कुछ आपके इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो आपके
डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस से रिलेटेड थे। अब इसी में ही आगे ऑर्गेनोजेनेसिस आपका यहाँ पर खत्म हुआ। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जो है इसमें ही आगे जो है आप लोग का सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी आप इसमें ही आप लोगों के इसके अंतर्गत ही आता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत, जिसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इस सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? तो सोमैटिक सेल्स आप लोगों ने सुना होगा, आई होप आप लोग को पता होगा सोमैटिक सेल्स क्या है। सोमैटिक सेल्स, जब आप सोमैटिक सेल्स या फिर सोमैटिक टिश्यूज या फिर सोमैटिक सेल्स से बने या टिश्यूज से बने जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियो होते हैं, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक टिश्यू या सोमैटिक ऑर्गन्स, इन तीनों की सहायता से अगर हम, या फिर इनमें से किसी एक की सहायता से, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, इनकी सहायता से जब हम एम्ब्रियो का रीजेनरेशन कराते हैं, एम्ब्रियो का रीजेनरेशन, मतलब हम एम्ब्रियो को रीजेनरेट करवा रहे हैं, एम्ब्रियो को हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एम्ब्रियो का रीजेनरेशन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो सोमैटिक सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन से अगर हम एम्ब्रियो का रीजेनरेशन कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन जायगोटिक एम्ब्रियोज बनते हैं इसमें, सोमैटिक एम्ब्रियोज बनते हैं। अब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोगों ने जब टॉपिक स्टार्ट किया है तो इसके बारे में सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि सोमैटिक सेल्स किसको बोलते हैं, उसके बाद आप लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को समझेंगे। सोमैटिक सेल्स किसको बोलते हैं? तो वो सभी सेल्स सोमैटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स बोलते हैं, जिसमें मादाओं के जो है अंडाणु, और जो आप लोगों के जो मेल पर्सन रहते हैं उनका जो शुक्राणु के जो अंग होते हैं, मतलब जो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जो होते हैं वो बस आपके सोमैटिक सेल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बाकी सभी जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को कल की क्लास में हम लोग और डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग की क्लासेस का भी टाइम हो गया है, तो फिर इसलिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को डीपली में हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं बेसिक एक बता देती हूँ आप लोगों को कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में सोमैटिक का मतलब क्या होता है। स्पर्म सेल्स जो होते हैं मेल्स के और फीमेल्स के जो एग सेल्स रहते हैं उन्हें छोड़कर बॉडी के, आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होने का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड होने का मतलब ये कि जो सोमैटिक सेल रहेंगे उसमें क्रोमोसोम के दो सेट पाए जाते हैं, दो जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, जो कि दो सेट में से एक जो सेट रहेगा वो कहाँ से मिलेगा? पेरेंट से मिला रहता है, और एक जो है नया न्यू जनरेट हुआ रहता है। ठीक, तो ये इसे हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और सोमैटिक सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन से जब हम एम्ब्रियो का रीजेनरेशन करवाते हैं तो उसे हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं। तो इसे कल हम डिस्कस करेंगे डीपली। आई होप आप लोगों को आज जितना मैंने समझाया वो क्लियर हुआ होगा, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस से रिलेटेड। सभी को क्लियर है?